तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल आप अभी तक पढ़ रहे थे, आगे हमने सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल पढ़ना है। बट बिफोर दिस, जो आपने रिसेंटली चैप्टर्स पढ़े, टॉपिक पढ़े, क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एरिया, और साथ में जो पहले आप प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हैं, ओवरऑल सब पर हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं आज, और फिर हम नेक्स्ट वीक में सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल शुरू करेंगे। तो प्रॉपर्टीज अब आपकी खत्म हो रही हैं, तो ओवरऑल हम इन पर बेस कुछ क्वेश्चन, ताकि एक रिवीजन हो जाए, और शुरुआत करेंगे जो लेटेस्ट आपका टॉपिक है वहां से, जो आप पहले पढ़ के आए हो वहां तक जाएंगे अपन। ठीक है, तो देखते हैं आपने कितना सीखा और किस तरीके से आपके रिस्पॉन्स हैं। तो पहला क्वेश्चन अच्छा है, आप उसको ट्राई करिए। फॉर्मूला का कॉपी जो भी आपने बनाया वो अपने साथ रख लो, फॉर्मूला आप देख के उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए, क्योंकि तो सब फॉर्मूला का खेल है। फॉर्मूला समय पे क्लिक हो जाएगा तो आंसर दे देगा, अदरवाइज बैठे रहें। ठीक है, तो चलिए, कुछ और बच्चे अभी आने के हैं, जब तक वो आते हैं अपन अपनी शुरुआत करते हैं। तो कल के जो 3 क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट सभी बच्चों के आंसर आ गए। सॉल्यूशन ग्रुप में डाला है बच्चों ने, वहां पर आप देख लीजिए, जिनको भी नहीं आया है वहां से उन 3ों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप देख लें। ठीक है, जिनका करेक्ट है उनको मैंने ओके किया है। चलिए, सो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट बात, जो कि सम क्वेश्चंस हैं बेस्ड अपॉन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन, ट्राई करिएगा आप सभी। फर्स्ट क्वेश्चन है, दी साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच कैन बी इंस्क्राइब्ड दी साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल which can be inscribed in a circle are 3, 3, 4, 4 centimeter. In a circle are 3, 3, 4, 4 सेंटीमीटर। चारों साइड्स के लेंथ आपको दे रखे हैं, फाइंड दी रेडियाई ऑफ दी इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल, देन फाइंड दी रेडियाई ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल। जो लेटेस्ट अभी आपने पढ़ा क्वाड्रिलेटरल है, याद रखें सिंपली इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक नहीं है, और उस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स के लेंथ आपको 3, 3, 4, 4 दे रखे हैं। सो यू हैव टू फाइंड इट्स क्वाड्रिलेटरल का जो इंस्क्राइब्ड सर्कल का रेडियस है वो आपने फाइंड करना है, और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल जो है उसका रेडियस आपने फाइंड करना। सर तो कोई दोनों करने को बोल रहा है।
करिए ट्राई क्वेश्चन को, आंसर चैट बॉक्स में दीजिए, वहां पे मैं चेक कर लूंगा। जो भी आपने निकाला उसके सामने मेंशन कर देना कि कौन सा इन सर्कल का रेडियस है, कौन सा सर्कम सर्कल का है। अदरवाइज जो आप पहले मेंशन करेंगे वो इन रेडियस कैलकुलेट होगा, काउंट होगा, और जो बाद में मेंशन करेंगे वो सर्कम रेडियस काउंट होगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट सम है, ट्राई करिए। रिसेंटली जो भी आपने टॉपिक पढ़ा कल, उस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन। चलिए तो अब बताइए क्या किया जाए। ये आंसर बता के छोड़ दिया जाए या पूरा सॉल्यूशन बता दिया जाए, क्या किया जाए? आंसर बता के छोड़ दो, आंसर बता दो, सॉल्यूशन निकाल लेंगे। चलो आंसर ही बता, सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं आंसर बता के ये क्वेश्चन आपके हवाले कर रहा हूँ। आप लोग आंसर नोट कर लीजिए और ट्राई करिए। लास्ट आंसर अरमान ने किया है, सरकम रेडियस करेक्ट है, सरकम रेडियस अरमान। तो इसकी जो सरकम रेडियस आती है, कैपिटल आर का जो वैल्यू है, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस को मैं कैपिटल आर लिख रहा हूँ, तो कैपिटल आर का जो वैल्यू आता है वो 5/2 आता है, 2.5 जिसको लेते हैं, कैपिटल आर 5/2 या 2.5। और इन रेडियस को मैं स्मॉल आर से डिनोट कर रहा हूँ, और इन रेडियस इसका 12/7 आता है, 12/7। इसको फर्दर आप कैलकुलेट कर लेना, डेसिमल में जो भी आएगा वो लिख लेना, 12/7। मिक्स फ्रैक्शन में इसको अपन 1+5/7 या 1/5/7 ऐसा भी लिख सकते। तो ये है, आप बोलो सर। आगे कैपिटल आ रहा है, कैपिटल आर। हाँ, कैपिटल आर बहुत से स्मॉल आर आ गया, जिनका दोनों किसी के आए हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप ट्राई करिए। और वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप सेकंड क्वेश्चन ट्राई करें, ठीक है? सो नाउ हियर द सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 2। तो ये तो अपना जो टॉपिक अपन रिसेंटली पढ़ रहे थे, क्वाड्रिलेटरल और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर बीच मैंने एक क्वेश्चन दिया। तो उसके पहले फिर आपने एक टॉपिक पढ़ा था विच इज अवर पॉलीगॉन, जिसमें आपने रेगुलर पॉलीगॉन पढ़ा, और रेगुलर पॉलीगॉन का आपने इन रेडियस कैलकुलेट किया, सरकम रेडियस कैलकुलेट किया और एरिया। ऐसे टोटल हमने 5 फॉर्मूले वहां पे पढ़े थे, इन रेडियस के लिए एक, सरकम रेडियस के लिए एक, और 3 एरिया के फॉर्मूले हमने पढ़े। तो उस रेगुलर पॉलीगन की थ्योरी पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ट्राई करिएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रेगुलर डोडेकागन, मतलब 12 साइड्स आपको दी हैं, द लेंथ ऑफ each side of the regular dodecagon is 20 centimeter here. Then सबसे पहला क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स इनस्क्राइब्ड सर्कल, रेडियस ऑफ इनस्क्राइब्ड सर्कल। दूसरा क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, एंड द लास्ट वन इट्स एरिया। तो तीन अपन वहां बातें पढ़ते थे, उन तीनों पर एक क्वेश्चन आपको दिया। हर साइड का लेंथ जो है इस रेगुलर पॉलीगॉन का 20 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है इंस्क्राइब्ड सर्कल की रेडियस कितनी होगी, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का रेडियस कितना है, और एरिया कितना आएगा इसका। करिए
सर ये डोडेकागोन कैसे दिखता? 12 साइड्स है, पॉलीगॉन है। सर डेसिमल तक बताना है क्या? हाँ डेसिमल या रैशनल बता सकते हो या डेसिमल बता सकते हो, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ पाई नहीं बताना, आपने डेसिमल में उसको आंसर करोगे तो भी चलेगा और नंबर्स में करोगे तो भी चलेगा। पाई एलिमिनेट कर लेना, पाई के टर्म्स में आंसर नहीं चाहिए। डोडेकागन जो है वो 12 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन है, 12 साइड्स होते हैं इसमें, मतलब हर साइड सेंटर पे 360/12 मतलब 30 डिग्री एंगल बनाएगी। 12 साइड्स हैं इस रेगुलर पॉलीगॉन में, हर साइड जो है वो सेंटर पर 30 डिग्री एंगल बनाती है। और आपको इस केस में यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ दिस रेगुलर पॉलीगॉन एंड ऑल्सो यू हैव टू फाइंड इट्स एरिया, और साथ में आपको इसका एरिया बताना है। ओके प्रियांशु मेश्राम लास्ट आंसर किए हैं, 5π2 आया था उनका सर्कम रेडियस का आंसर पिछले क्वेश्चन का, करेक्ट है। देख लो इसको सॉल्व करना, मैं इसके आंसर बता देता हूं तीनों क्वेश्चन के, आप ट्राई करें उसको और फिर कोई डाउट आता है तो उसको पूछ लेना। हाँ ठीक है, पूरा सॉल्यूशन ही बता दूं कि केवल आंसर बताऊं? बस आंसर बताओ और एरिया सॉल्व करना। एरिया को सॉल्व करूं क्या? सर वो सर्कम रेडियस के फॉर्मूले से भी बताइए। सर्कम रेडियस और इन रेडियस के फॉर्मूले तो इसमें बड़े इजी थे, ठीक है। मैं खैर चलो आपको फॉर्मूला बता देता हूं दोनों, और एरिया का जो फॉर्मूला यूज करना है। बोलो क्या बोल रही हो? एक मिनट वेट करना, थोड़ा सा नेट इशू। सर वो एरिया का जो फॉर्मूला है। हाँ हाँ सर, वो एरिया का सर्कम रेडियस से अलग ही आंसर आ रहा था। हेलो सर, एक मिनट नेट चला गया। अभी दिख रहा है ना बोर्ड बराबर? हाँ सर। चलिए एक आ रहा, कई बच्चे बाहर हो गए चक्कर में, नेट का इशू है आज। चलिए ओके, सो देखिए अभी हेलो आवाज आ रहा है क्या मेरा? हेलो भुवन आवाज आ रही है? सर चली गई क्या? शायद आ गए वापस। लो मैं आया मिलने दोबारा, क्या ले आया? तो देखिए अभी बीच में नेटवर्क इशू था, तो मैं अभी आपको इसके सॉल्यूशन दे रहा हूँ, और फिर यदि सॉल्यूशन देखने के बाद आपको लगे कोई डाउट है तो पूछिएगा, मैं बता दूंगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन का, जिसमें यू हैव टू कैलकुलेट द स्मॉल आर, सॉरी हाँ स्मॉल आर रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, तो स्मॉल आर का जो आंसर आता है 37.32 सेंटीमीटर, 37.32 सेंटीमीटर, ये स्मॉल आर है इन रेडियस जिसको अपन बोलेंगे। कैपिटल आर के लिए वैल्यू आता है 38.637 सेंटीमीटर, और जो इसका एरिया आता है डेल्टा,
इसको अपन एरिया लिख रहे हैं, और एरिया जो है वो 4478.46 आता है, 4478.46. आयुष नकारे 4476 निकाले थे, इट इज 4478.46. अब बताइए कोई डाउट है आप, क्या पूछ रहे थे आप लोग? ये मैंने आंसर लिख दिए तो जो एरिया बता दो निकल एरिया. ओके, एरिया के लिए फॉर्मूला क्या यूज किया बेटा तुमने? मयूर बताओ जरा. मैंने साइड वाला भी कर लिया और वो साइड वाला बताओ उसका भी किया. साइड वाला बताओ, एरिया के लिए कैलकुलेशन अपन करेंगे. साइड वाला फॉर्मूला क्या यूज करा? एन ए स्क्वायर बाय एन इनटू कॉट पाई बाय एन. कॉट पाई बाय एन. ओके, एन कितना डाला तुमने? 12. ए स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाय 4 कॉट पाई बाय एन, मतलब पाई बाय 12 बोले तो 15 डिग्री. यही डाला मयूर? हाँ सर यही डाला. तो ये 1200 हो गया और कॉट 15 होता है 2+√3, यही आया था. हाँ. कोई तो कैलकुलेट कर लेती है 447. मैंने ए स्क्वायर को स्प्लिट कर दिया था, 20 × 20 लिखा था और फिर कैंसिल करके वैल्यू निकली तो अलग ही आ रही. नहीं नहीं, कुछ भी करो भाई, आप ये 1200 बनेगा. आप 20 × 20 करो तो ये 20 × 12 और 4 × 5 = 20, तो 20 × 5 × 12 बनेगा. 20 × 5 = 100 होता है, 100 × 12 = 1200 होगा. आप कैसी भी कैलकुलेशन कर लो, ये पूरा क्वांटिटी 1200 ही बनेगा. ठीक है, इसको कैलकुलेशन तुमने रॉन्ग की भाई, यहाँ पे गया तुम्हारा आंसर. ठीक है ना, चलो ये मैंने कैपिटल आर बताया. हाँ हाँ, और किसी को कहीं डाउट है स्मॉल आर या कैपिटल आर में तो वो भी पूछ लें. भाई सीधा सीधा फॉर्मूला है स्मॉल आर के लिए, जो फॉर्मूला आपने लिखा है वो लिखा है ए बाई टू कॉट पाई बाई एन, मतलब टेन इंटू कॉट 15 बन जाएगा, मतलब 10 × 2+√3 आएगा. कैपिटल आर के लिए लिखा है ए बाई टू कोसेक पाई बाई एन, मतलब 10 × cosec 15 degree. तो उसको कैलकुलेट कर लो, और एरिया आपको मैंने कैलकुलेट कर दिया. सीधा फॉर्मूला में वैल्यू डालना है एंड यू गेट द आंसर. नोट कर लीजिए, कोई डाउट है इसमें अभी भी पूछ लें. चलिए, और कोई डाउट किसी को नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन दें तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर. हेलो, आवाज आ रही है? यस सर. यस सर. ओके ओके. यस सर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं. So moving on to the next question. तो देखिए क्वेश्चन बनाना इसलिए भी जरूरी है, आप जितने क्वेश्चन बनाएंगे उतना फॉर्मूला लर्न होगा, क्योंकि अपन से सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है कैलकुलेशन में, वो बस सही होना चाहिए. खैर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम. अगला क्वेश्चन है आपका,
देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज सिक्स टाइम्स पेरीमीटर सर आपका माइक म्यूट है। ठीक है अभी आ रहा है वॉइस बोर्ड दिख रहा है। ओके इफ साइड ए इज इक्वल्स टू वन स्मॉल ए का वैल्यू वन दिया है देन द वैल्यू ऑफ एंगल ए इज तो आपको बताना है कि एंगल ए कितना हो। आपके ऑप्शन है पाई बाई सिक्स पाई बाई थ्री पाई बाई टू और पाई पाई बाई सिक्स पाई बाई थ्री पाई बाई टू और इट इज पाई। The perimeter of triangle ABC is 6 times the arithmetic mean of sines of angle. If side length small a equals to 1, then you have to find the angle capital A. तो आपको angle A का value बताना है कि angle A कितना है। करिए try. लीजिएगा ये लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और बाकी फिर अपन अगली क्लास में करेंगे। सो देख लीजिए सॉल्यूशन प्रियांशु मेश्राम लास्ट ऑप्शन दिया प्रियांशु ऑप्शन प्रियांशु करेक्ट है प्रियांशु मेश्राम। नाउ वी मूव ऑन टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो देखिए सॉल्यूशन में हियर वी गिवन दैट द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 6 टाइम्स तो the correct answer is pi by 6 and how to solve this question so to solve this aapko diya hai perimeter of triangle abc matlab small a plus small b plus small c ye aapko diya hai 6 times arithmetic mean of sines of angle matlab tino angles ke sine ka apne arithmetic mean nikalna hai matlab sine a sine b aur sine c ka arithmetic mean nikalna hai। तीन नंबर्स का अरिथमेटिक मीन होता है तीनों नंबर्स को ऐड करके तीन से डिवाइड कर दो। सो हियर वी गेट व्हाट अपन को ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू टू टाइम्स ऑफ साइन ए। हाँ बोलो बेटा। हेलो सर आप नहीं दिख रहे। मैं दिख नहीं रहा ये दिख रहा हूँ अभी सर वीडियो अटक गया। हाँ सर दिख रहे अभी नेटवर्क इशू है बेटा। ठीक है आ जाएगा अभी धीरे आ जाएगा। नाउ बाय साइन रूल वी यूज ए की जगह पर अपन साइन रूल से ए को अपन के साइन ए लिख सकते हैं एंड बी की जगह पर के साइन बी लिख सकते हैं और सी को के साइन सी लिख सकते हैं। सो जब आप ये यूज कर लेंगे so therefore a की जगह पर k sin a k sin b so this implies k बराबर 2 आ जाएगा therefore 2 is equals to a upon sin a this implies sin a का वैल्यू 1 by 2 since small a आपको 1 दिया है hence angle a is pi by 6 so this is our first option this is the solution of this question।
नोट करिए अभी, और आप बताइए क्या इश्यू जा रहा था आपको। तो ये सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, आपको दे रखा है किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम मतलब पेरीमीटर 6 टाइम्स ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ साइंस ऑफ एंगल। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी ट्वाइस ऑफ साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी आ जाएगा। बट पाई साइन रूल वी नो दैट a को अपन k साइन a, b को k साइन b और c को k साइन c डाल सकते हैं। तो जब आप ये डाल देंगे अपनी सेकेंड इक्वेशन में जो सेकेंड स्टेप में बनी है तो हमको k का वैल्यू 2 मिल जाएगा। अब ये k का वैल्यू 2 a बराबर k साइन a में डाल दो तो a अपॉन साइन a बराबर 2 आ गया। क्योंकि a का वैल्यू 1 था तो साइन a 1/2, इसलिए एंगल a जो है वो 30 डिग्री आएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। दिस इज दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट करिए, कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है दीपशिका, समझ गया? सर, कोई देर बहुत देर से मैसेज कर रहा है। क्या बोले बेटा? किसी के तो भी अंदर आना है, ग्रुप पे बहुत मैसेज कर रहा है। नहीं यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा बेटा, मेरे को यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा मैसेज एंटर का। चलो खैर, सर पूरे मैसेज मिटा दिए अभी। ओके चलो, सानिध्य है शायद। चलो तो अपन बाकी करेंगे कल, आज के लिए बुला लेता हूँ। दूसरे बच्चे एंटर कर रहे हैं यहाँ पर। क्या बोल रहे प्रणव? हेलो प्रणव। यस सर। क्या बोल रहे? यस सर, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अच्छे ही बोला। अच्छा चलो ठीक, बाकी मिलेंगे कल। आज के लिए फिलहाल इतना। गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। अच्छे लिए।